मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। यूपी के बलिया में सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधान परिषद चुनाव में एक भी टिकट न मिलने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। वहीं सुबह सपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा के ट्वीट पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पीयूष मिश्रा ने जो बात कही है उस बात में दम है, उन्होंने सही बात कही है। उपेक्षा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती कैसी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी मनसा नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगने जाएं, क्योंकि हमारे पास 6 ही विधायक हैं। अगर हमारे पास 20 विधायक या 25 विधायक होते तो फिर हम उसके हकदार होते, हम गठबंधन के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही किसी से बात करनी चाहिए, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनसे MLC के लिए बात करें, राजभर के लिए बात करें। हम ना राज्यसभा के लिए भूखे हैं और ना ही MLC के लिए। बता दें कि यूपी के जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है उसमें 4 सीटों पर सपा जीत हासिल कर सकती है। विधान परिषद में पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी दल के सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा सपा हाल में सदस्यता खत्म होने वाले एक पूर्व MLC को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले सपा ज्वाइन करने वाले एक बड़े नेता को भी विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को वोटिंग कराई जाएगी। इन सीटों के लिए 3 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि 20 जून को वोटिंग के कुछ घंटे के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि 38 फीट लड़कर 8 फीट जीतने वाले को राज्यसभा भेज दिया गया है और 16 फीट लड़का 6 फीट जीतने वाले को एक भी टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी की उपेक्षा है, इसमें इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी ने जो बात कही है तो वो बात में दम तो है ही है, उन्होंने सही बात कहा है। उनकी भावना है, उनकी सोच है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उनकी सोच है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम नहीं अलग हो जाएंगे। गठबंधन में तो आप हैं ही, तो आपको क्या, आप उनके ट्वीट से उनके बातों से आप सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत हैं, जो सच है तो सच तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। तो ऐसे क्या लगता है कि सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जत नहीं है तो बेइज्जत कौन है। आप उनके प्रमुख सहयोगी दल हैं, इज्जत नहीं है। प्रमुख सहयोगी बड़ी पार्टी वो है, हम लोग छोटी पार्टी वाले हैं। हम लोग अभी पूर्वांचल में जाने जाते थे, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद से हम लोग पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जा रहे हैं। ये कम है, MLC क्या चीज़ है।